नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां राजधानी लखनऊ से है कि आईईटी लखनऊ एलुमनी सोसाइटी ने एकेटीयू में टीपीयू संवाद कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल यानी एआई पर एक सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य एक विषय के रूप में एआई पर प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारियों को परिचय देने के साथ एआई में कैरियर की संभावनाओं को जागरूकता पैदा करना। सत्र में सभी उद्योगों के लिए एआई की प्रासंगिकता के बारे में बताया गया। सत्र को सिस्को यूएसए के प्रोग्राम मैनेजर संपन्न निगम ने संबोधित किया। उसके पहले सिलिक आईटी सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष अंकुर सैनी और बीईएल के जीएम श्री राम ने ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज के आईटी लखनऊ पर कार्यशाला का आयोजन किया। इससे पहले वित्तीय साक्षरता पर एक और कार्यशाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रायोजन के साथ साथ आईईटी एलएएस द्वारा आयोजित की गई। सत्र में आईईटी लखनऊ में फिनलिट प्रोजेक्ट के सह संस्थापक और सीटीओ डॉक्टर डीसी मिश्रा ने व्याख्यान भी दिया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से। बिजली उपभोक्ताओं के एकमुख समाधान के लिए आज शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ के कसमांडा हॉस्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र न्यू कैंट सदर में ओटीएस योजना की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा बबली जगदेवी वर्मा राजेश मेहर को सम्मानित किया। इसी क्रम में जानकीपुरम स्थित बीकेटी डिवीजन के जीपीआरए उपकेंद्र पर ओटीएस कैंप लगाया गया, जहां पर 55 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मामले में हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने बीकेटी डिवीजन के अधिशासी अभियंता से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी दी है, जिसको लेकर एक मुफ्त समाधान योजना लागू किया गया। आज हम बिजली विभाग के दफ्तर में बैठे हैं और यहाँ पर अधिशासी अभियंता हमारे साथ बात करने के लिए हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उपभोक्ताओं को एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा और वो किस तरीके से अपने बिल को जमा कर पाएंगे। सर, किस तरीके का ये अभियान जो चलाया जा रहा है, जो एक मुफ्त समाधान योजना लागू किया गया है, काफ़ी कयास लगाया जा रहा है, तो उसके बाद आप किस तरीके से लाभ इसमें उपभोक्ता को मिलने वाला है? ये जो हमारी योजना है तीन चरणों में लागू होगी, 1/8/11 से लेकर 30/11 तक के लिए, 1/12 से लेकर 15/12 तक का रजिस्ट्रेशन कराने पे, 1/16/12 से लेकर 31/12 तक के लिए। इसमें एलएमई 1 के कंज्यूमर जो होंगे 1 किलोवाट तक के लिए पूर्ण भुगतान करने पे 100% और 12 किस्तों पे किराया जमा करने पे 90%, और जो 1 किलोवाट से अधिक के कंज्यूमर एलएमई 1 के होंगे पूर्ण भुगतान करने पे 90% और 3 किस्तों में के साथ में 80% के साथ में और 6 किस्तों में 70% के का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जो किस्तों में जमा करेंगे वो लगातार 12 किस्तों वाले के साथ में तीन डिफॉल्ट किस्तें हो सकती हैं, उसमें लगातार दो किस्तें डिफॉल्ट नहीं हो सकती, और जो 6 किस्तों में जमा करेंगे उनकी मैक्सिमम 1 डिफॉल्ट के साथ में वो अपना जमा करा सकते हैं। सर, जैसे बहुत काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद से एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस का ये लाभ उपभोक्ता को मिलने वाला है, तो आप यहाँ उपभोक्ता किस तरीके से यहाँ पहुँचेंगे, क्या व्यवस्था आपके अधिकारियों द्वारा रखी गई है यहाँ पर? यहाँ पर सभी कैटेगरी के अलग अलग कंज्यूमर के 100 से ऊपर तक का जिसका भी सरचार्ज है उसकी लिस्ट बना ली गई है और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था की गई है और जितने भी कंज्यूमर आए अपना समय से इसका भुगतान करें और इसका लाभ उठाएं। आप अपने डिवीजन के जो आपके उपभोक्ता हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा इस सरकार द्वारा दी गई इस छूट का लाभ उठाएं और जिससे कि जितना सरचार्ज है उसका पूर्ण लाभ उनको मिल सके और ज़्यादा भुगतान कर सकें। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीकेटी डिवीजन के अधिशासी अभियंता हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ओटीएस यानी एक मुफ्त समाधान योजना उपभोक्ताओं के हित के लिए चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को एक सुविधा प्रदान करने वाली चीज़ है, यानी जो आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे थे उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कवायद की थी, जिसके बाद से आज ये 8 तारीख से इसका शुभारम्भ किया गया है। खबर आगरा से। ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने बैठक की। आपको बता दें, बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पेड़ों पर वाटर मिस्ट वाहन का प्रयोग कर छिड़काव किया गया है और साथ ही त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगे भी छिड़काव किया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण पर रोकथाम लग सके। आगरा में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी आगरा भानु चंद गोस्वामी ने संबंधित विभाग
लोगों के साथ एक बैठक की। वो बैठक में साफ तौर से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं नगर निगम और अग्निशमन विभाग को कि शहर के मुख्य मार्ग और पूरे शहर में जल छिड़काव किया जाए। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य अग्निशमन विभाग के अधिकारी, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, जिलाधिकारी ने बैठक की है और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं? इस समय आगरा में जनपद में वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है, पूरे NCR में बढ़ा हुआ है, दिल्ली में तो आगरा से भी ज़्यादा है, जिसको देखते हुए सभी लोग चिंतित हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 तारीख को इसके संबंध में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि ये जो प्रदूषण है अगर ये लंबा समय तक रहता है तो इससे काफ़ी स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें डस्ट ज़्यादा न उड़ने पाए और शहर की सफाई वफाई के लिए भी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम और फायर सर्विस को भी छिड़काव के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। फायर सर्विस जो है नगर निगम को पूरा सहयोग कर रहा है, इस समय डेली छिड़काव किया जा रहा है और जितने भी पेड़ पौधे हैं और इस तरह से धूल जमे रहे हैं वहाँ पर रोज़ सुबह हमारी टीम निकलती है, छिड़काव करती है। और जनता से भी हम लोग अपील करेंगे कि इसको इस समय जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है इसमें केवल प्रशासन के चाहने से और ये कम नहीं होगा, इसमें जनता का पूरा सहयोग होना है। कहीं पे इस समय बाहर जो है कि अलाव न जलाएं और जो प्रदूषण है जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है उसको पूरा ढक के करें और इस तरह से पूरा सहयोग करें। और फायर सर्विस और नगर निगम भी छिड़काव कर रही है और ये यहाँ के आम जनमानस के साथ साथ प्रशासन को भी सबको साथ मिलकर इसमें भागीदारी होनी चाहिए, जैसे कि आने वाले दिनों में इसको कम किया जा सके, क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और सभी तरफ से इसमें जो है कि प्रशासन की तरफ से और फायर सर्विस तरफ से इस तरह से इसमें पूरी मुस्तैदी की जा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको सम्मान किया जा सके। सर, शहर में फायर सर्विस की लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं छिड़काव को लेकर? इस समय 3 टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि इस समय जो है फायर सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील त्यौहार दीपावली है, इसमें पटाखों का भारी मात्रा में लोग क्रय विक्रय करते हैं, घरों में भी इसका भंडारण है और दुकानें अस्थायी तौर पर पूरे शहर में लगी हैं, 9 तो शहर में लगी हैं और 8 देहात क्षेत्र में लगी हैं, बाकी परमानेंट दुकानें हैं और सब जगह इसमें भारी मात्रा में स्टोरेज हो त्यौहार को देखते हुए लोगों ने कर रखा है, तो इस तरह से उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, किसी तरीके से कहीं पर कोई आगजनी न होने पाए, अगर हो तो उसको त्वरित नियंत्रित की जा सके कहीं भी, तो उसको भी ध्यान में रखे और प्रदूषण को दोनों तरफ से हम लोग सतर्क हैं और छुट्टियां बंद कर दी गई है, पूरी कमरबंदी में विभाग इस समय है और दोनों को भी हम लोग नियंत्रण में लगे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि प्रदूषण भी सम्मान हो जाएगा और त्यौहार भी सकुशल सम्पन्न होगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अग्निशमन विभाग के अधिकारी DK सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि फायर सर्विस की 3 टीमें शहर भर में काम कर रही हैं और शहर के मुख्य जगहें जो चौराहे हैं वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, Prime TV, आगरा। खबर कुशीनगर से। कुशीनगर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त एक्शन में है। मामला कसिया तहसील क्षेत्र के खेसारी गिदहा का है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें, खलिहान और पोखरे की जमीन से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। खबर बहराइच से है। बहराइच के इकरोरा गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ माधव गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसकी और उसके भाई की साथ लड़ाई हो रही थी, इसके बाद वह गुस्से में आकर घर से चला गया। जब वह लौट कर आया तो पिता की मौत हो गई। बेटे का कहना है कि पिता की मौत हृदय गति रुकने से कारण हुई है। बेटे ने कहा, हम पर हत्या का आरोप न लगे इसलिए हम खुद शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। खबर रायबरेली से। रायबरेली में स्टोर संचालक द्वारा ज़्यादा पैसे वसूले जाने पर किसानों में रोष दिखाई दे रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत DM हर्षिता माथुर से कर दी। DM ने मामले में गंभीर रुख दिखाते हुए DHO केशव राम चौधरी से मौके पर जांच कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर किसानों ने दूसरी बार शिकायत कर दी। DM ने इस बार अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और अपर जिला उद्यान अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करवाया। जाँच के दौरान इस बार सफारी कोल्ड स्टोर में घोर अनियमितता पाई गई। टीम जल्द ही जाँच कर रिपोर्ट DM को सौंपेगी। कहाँ के निवासी हैं? मटका। क्या समस्याएं हुई हैं?
इसमें सफाई कोल्ड स्टोर में आलू रखा था मेरा, उसमें जिसमें 30 बोरी निकलवाया था, तो उसमें 15 बोरी चेंज हो गए। तो इस पे आज कहाँ पे आए थे आप? अभी यहाँ पे SDM साहब आए थे, वहाँ पे मीटिंग थी। बताया साहब से, बताया पूरी बात? हाँ बताए। आश्वासन क्या मिला है? कहें कि जांच होगी इस पे, अब दोबारा गलती हो बदला जाए चेंज हो तो हमारे पास फोन करना, नंबर है। खबर लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे के राज ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए की चोरी का SP खीरी गणेश प्रसाद साहा ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बीते अक्टूबर के महीने में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके खुलासे के लिए IG लखनऊ और SP लखीमपुर ने 4 टीमों का गठन किया था। गठित की गई टीम को सफलता भी मिल गई है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर 2 अन्य अभियुक्त समेत चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। हुई थी वो ज्वेलरी की दुकान करीब 2-3 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ था, जिसमें से भारी मात्रा में ये सूचना मिली थी कि आभूषण को चुरा लिया गया है। इसमें थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके खुलासे के लिए CO निघासन के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई थी और लगातार इसको मॉनिटर का अपर पुलिस एडिशनल SP के द्वारा किया जा रहा था। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।